चलो अब थोड़ी देर भस्त्रिका कर लो। श्वासों का आधान कर रहे हो, इनर बायोलॉजी, इनर बायोकेमिस्ट्री। तुम अपने भीतर की विधाता की संरचना को जरा महसूस तो करो। तुम क्यों अपने आप को भूले बैठे हो? क्यों धक्के खा रहे हो? क्यों ठोकरें खा रहे हो? क्यों गफलत में जी रहे हो भाई? श्वासों का आधान मात्र ऐसे, एक प्राण वायु का यह आधान नहीं कर रहे हो। प्राणों के साथ दिव्यता का आधान करो। इस ब्रह्मांड की समस्त दैवी शक्तियों से मैं अभिषिक्त हो रहा हूं। सात्विकता की, दिव्यता की, दिव्य पुरुषार्थ की, दिव्य प्रार्थना की पराकाष्ठा। मैं अभिभूत हूं, भगवान के अनुग्रह से अनुग्रहित हूं, उपकृत हूं, आशीषित हूं प्रभु के आशीषों से। गॉड इज ब्लेसिंग मी, ऑलमाइटी इज ब्लेसिंग मी, ही इज शोरिंग हिज कंपैशन ऑन मी, ही इज बेस्टोइंग हिज मर्सी ऑन मी। भगवान की दिव्यता से अभिभूत होकर के, आशीषित होकर के, उपकृत होकर के, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह के, प्रभु मेरे रोम रोम को ऊर्जा से भर दो, ऊर्जान्वित कर दो, सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, देवत्व से, ऋषित्व से मुझे ओतप्रोत कर दो। शुभ का आधान, मैंने ये आपको पिछले 3 दशकों से सिखाया है, शुभ का आधान करते हुए, देवत्व का आधान करते हुए जब आप प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो भगवान का ये विधान है, भगवान की प्रतिज्ञा है हम सब जीवों के लिए। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः, अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः, यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्, तेषाम् अहं समुद्धर्ताम् मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थमय्यावेशित चेतसाम्, मन्मना भवमद्भक्तो मदयाजी माम् नमस्कुरु, मामेवेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहीनो मे भक्तः प्रणश्यति, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, लोकधर्मान् परित्यज्य सर्वक्लेशान् परित्यज्य सर्वदोषान् परित्यज्य सर्वरोगान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, अहं त्वा सर्वरोगेभ्यो, अहं त्वा सर्वदुःखेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुच। प्रभो डीप इन्वॉल्वमेंट के साथ,
डिवाइन कनेक्टिविटी के साथ, डिविनिटी के साथ करना, डिग्निटी के साथ करना, श्रद्धा के भक्ति के अतिरेक में जाकर के करना। देखो ऊपर ऊपरी तौर पर योग करने से फिजिकल बेनिफिट्स हो जाएंगे, जो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ का, जो डिविनिटी आनी चाहिए योग से, डिवाइन जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, दिस इज फ्री लाइफ, दिस इज ए बिग अचीवमेंट, बट दिस इज फ्री लाइफ, दिस इज इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा, अचीवमेंट ऑफ डिवाइन नॉलेज, अचीवमेंट ऑफ डिवाइन पीस, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योग। इसलिए योग करते करते व्याधियों की समाप्ति हो जाए और समाधि की प्राप्ति हो जाए, अनुलोम विलोम ऐसे करो, लगातार करना, रुकना नहीं बीच में, विराम नहीं विश्राम नहीं। बहुत व्याधियां हैं, व्याधि संस प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ति अंतरायः दुख दूर मनस्यं वेजत् श्वास प्रश्वास विक्षेप सभुआ अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः अविद्याक्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणां जन्म जन्मांतरों के रोग हैं, विकार हैं, वासनाएं हैं, संस्कार हैं, उन सबका प्रतिप्रसव करना है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावाचित शक्ति। योग करते करते तुम इतने अंतर्मुखी हो जाओ अपने स्वरूप से, अपनी निजता में इतने जुड़ जाओ, इतने खो जाओ, शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये। तद्विष्णोः परमं पदम् तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरातम् उपद्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तये। ओम इन्द्रः कृतुम् नाभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाण वसन पुरुहूत यामिनि जीवा ज्योति असी। प्रभु तेरी ज्योति से अभिषिक्त हो जाए, अनुलोम विलोम ऐसे लगातार 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक एक घंटा किया करो, अतिमानस चेतना में प्रतिष्ठित होकर के, अतिमानस योग है, भावातीत योग है, गुणातीत योग है। योग के समय ऐसे गुणातीत होकर के, भावातीत होकर के योग करना, तो एक अदृष्ट सत्ता के संपर्क में हम आते, जिसको वाणी कह नहीं सकती, नीति नीति का अनिर्वचनीय है, जो अप्रतिम है। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्चन विचिष्टति तामाहुः परमां गतिम्। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते अश्रुतेन शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत्वाचा अनभ्युदितम् येन वाक्यभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।
यनमनसानमनतीनाहुरमनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धिनेदं यदिदमुपासते। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्मेविदं अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेविदं विश्वं इदं वरिष्ठम्। ऐसी भाव चेतना से मेरे आगे पीछे दाएं बाएं प्रभु तू ही तू, तेरा ही बसेरा है, तू ही तू है। ऐसे किया और ऐसे किया तो तुम्हारे अंदर से तुम्हें सुख मिलेगा। माना परिवार में सुख है, पति पत्नी में सुख है, संतानों में सुख है, संतति सुख है, पुत्र सुख है, मित्र सुख है, धन का सुख है, साधन का सुख है, सुविधाओं का सुख है, संसार में खाने पीने का जीने के बहुत सुख है, लेकिन इन सब सुखों का स्रोत तो प्रभु है, मूल स्रोत उससे जुड़ जाते हैं ना तो फिर पूर्ण हो जाते, तृप्त हो जाते। ऐसे पूर्ण तृप्ति में रहना, इनकम्प्लीटनेस, लॉनलीनेस, नो, खालीपना, सुनापना एक क्षण के लिए भी नहीं होगा। ऐसे तृप्त रहा करो सुबह से शाम तक, ऊपर से तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी सारी संवेदनाओं, पूर्ण तृप्ति का भाव, संपूर्ण संवेदनाओं में संपूर्णता का भाव, पूर्णता का भाव, तृप्ति का भाव, पूर्ण संतोष। हां, और फिर अपने कर्तव्य का भी पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से निर्वाण करना। यह पलायन नहीं है योग, अध्यात्म। हां, ऐसे कुछ देर ये गुणातीत भावातीत योग भी किया करो। तो मैं बोल रहा था ध्यान के तीन चरण है। पहला ध्यान का चरण अपने आप को मुक्त अनुभव करना है, सब रोगों से, विकारों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, दुर्गुणों से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, सब बीमारियों से, सब बुराइयों से, सब दुख दारिद्र्य से, सब प्रकार की अपूर्णताओं से अपने आप को मुक्त अनुभव करना, यही तुम्हारा स्वरूप। तो ध्यान का प्रथम चरण अपने आप को इन सब झंझटों से, झंझावातों से, संकटों से, संघर्षों से मुक्त अनुभव करो और प्रभु से युक्त अनुभव करो। ये मुक्ति का, ध्यान का, समाधि का, साधना का प्रथम चरण है। ये साधना के तीन चरण है, साधना के, ध्यान के, ये तीन चरण है। फिर सब स्वरूपों में उसी को अनुभव करो, सब स्वरूपों में, सब संबंधों में, दृष्टि में वो दिव्यता हो, दृष्टि में वो दिव्यता हो कि प्रभु दिखे सब दिशाओं में, दिखे सब दिशाओं में, और इस दृष्टि के पीछे भी उस अदृष्ट को अनुभव कर सके। और ये हो जाता है, ये कोई लंबी चौड़ी घटना नहीं है, बस इसके लिए थोड़ा सा आपको शांत होना पड़ता है, थोड़ा साइलेंस में जाना पड़ता है, थोड़ा अंतर्मुखी होना पड़ता है, तो हो जाओ। उसमें भी तो खो जाओ, दुनिया में बहुत खो करके देखा, दुनिया का बहुत हो करके देखा है, एक बार प्रभु की भी हो जाओ, एक बार प्रभु में भी खो जाओ। आओ, पहले अंगुली माथे पर, शेष तीन अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से करेंगे, आत्म ज्योति जलेगी और उस आत्म ज्योति में, उस ब्रह्म ज्योति में सारे विकार, सारे दोष भस्मीभूत हो जाते हैं। जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा
ये योग ऐसा है, ये ध्यान ऐसे है, ये समाधि ऐसा है, ये समाधान। कुछ देर मौन भी रहा करें, सब मौन हो जाएंगे थोड़ी देर, पूर्ण मौन। ओम उद्वयम् तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम्। देवं देवत्रा सूर्यं अगन्मच्योतिरुक्तम्। पिंड में, ब्रह्मांड में, पूरे अस्तित्व में उस प्रभु की परम सत्ता को, परात पर ब्रह्म को, उसकी पराज्योति को, पराशक्ति को, आद्या शक्ति को, उस परम गुरु को, उस परम पिता को, उस परम माता को, उस जगन माता को, उस जगत पिता को, जगदीश अनुभव करना,
प्रभु तो ही थे, तो ही थे, तो ही थे, तो ही थे। ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम खं ब्रह्म, ओम इदं सर्वम्, ओम इदं सर्वम्, सर्वम् तस्य उपव्याख्यानम्, भूतं भवत् भविष्यत् सर्वम् ओंकारे, यच्चन्यत्रिकालातीतं तदप्योंकारे। ओम ओम का ध्यान। श्वासों की गति इतनी सूक्ष्म हो जाए, नॉर्मल ब्रीथिंग हमारी 16 होती है, ध्यान में 8, 4, 2 अंततः 1 हो जाती है, और हम उस एक प्रभु के साथ एकत्व अनुपश्यते एको शी सर्वभूतांतरा। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ लेंगे, दोनों हाथों के गर्म गर्म थैलियों की ऊर्जा का उष्मा कर लेंगे। ऐसे इस दिव्य भाव चेतना के साथ योग करना, अभी योग पूरा नहीं हुआ है, अभी तो कपाल भाति और बाकी है। ऐसे भाव चेतना के साथ मेरा रोग मिट रहा है, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, मेरी आंतें स्वस्थ हो रही हैं, जिसको जो रोग है अपने रोग के मिटने का, दिव्यता की घटने का अंदर संकल्प, चलो करो सब। और जिनको आसन विशेष में बैठ के करना है, डायबिटीज वालों को, तो मैंने कहा आसन में ही प्राणायाम करना, प्राणायाम के ही साथ ध्यान करना है। और सुनो, कितना समय लगेगा? एक क्षण में रूपांतरण शुरू, एक क्षण में। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की कान में खिल जाए, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाँव ना फिसल जाए। बात कंठ का कीण है, पथ जीवन का, पथ का विधान ही है कुछ ऐसा। बहुत कांटे हैं, बहुत दुविधाएं हैं, संकट हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, रोग चारों तरफ से, एक बीमारी खत्म नहीं हुई, 100 और मुआ भाई खड़ी है। ये ब्लैक फंगस खत्म नहीं हुआ कोरोना के बाद, फिर व्हाइट फंगस आ गया, फिर बोले योलो फंगस आ गया, कितने रंग बिरंगे बहुरूपी आएंगे, कोरोना भी फंगस भी। अरे मेरे भाई, ये फफूंद, ये बैक्टीरिया, ये वायरस उसी पर चढ़ेंगे जो कमजोर होंगे। बलम उपास, तो बल की उपासना, योग की उपासना कर, प्रभु की उपासना कर। अस्माओ भवतु नस्तुना, तेरे शरीर वज्र की तरह होने चाहिए, तेरे इरादे फौलादी होने चाहिए, तेरा शरीर बल, मनोबल, आत्मबल इतना प्रबल होना चाहिए। वो मैं सुबह सुबह हंकार भरता हूं कि तू जाग, अपनी शक्ति को जगा, न ब्लैक फंगस, ये मिटी ब्लैक फंगस, ये मिटेगा व्हाइट फंगस, ये आ गई येलो फंगस, अब नई नई भाभी चाची, ये आ गई नई नई रिश्तेदार। हाँ, भीतर तक जावे ही नहीं,
आपस में तो फिर भी देवरानी देवरानी भाभी देवर में झगड़ा पग रगड़ा हो जावे, ये तो ऐसी भीतर बैठे और पड़ोसियों ने और बुलावे। इन बीमारियों का एक बड़ा परिवार होता है, एक बीपी आया, एक शुगर आई, पांच और साथ में लेके आई। शुगर आई तो साथ में किडनी की समस्या लेके आई, आंख की समस्या, हार्ट की समस्या, न्यूरोपैथी, वीकनेस। एक मोटापा आया, एक कोरोना आया, अपनी सारी रिश्तेदारी को लेकर के आया। इनके रिश्तेदारी हमें बिगाड़नी है। हाँ भाई, हमने तो रिश्तेदारी किसी से ऊ बनाई नहीं है मोह माया वाली, तो भाई इनकी रिश्तेदारी भी हम नहीं बनने देंगे अब भीतर, इनकी भागीदारी ना भाई। एक बीमारी 10 बीमारियों को और लेके आती है, करो और ये मिटा दिए। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं, बीमारियों से मत डरो, योग करो, आयुर्वेद का उपयोग करो, नेचुरोपैथी, ये प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म षटकर्म, प्रकृति ने तुम्हें कितना बड़ा वरदान दिया है। मेरे से बोले बाबा जी इस पंगे में जीत लेगा? मैंने कहा इन सब से तो लड़ने के लिए मैं अकेला ही बतेरा हूं, बस तुम मेरा साथ दे देना। जो अपने आप को ऋषियों की संतान मानते हो, तो अपने आप को रामकृष्ण की औलाद मानते हो, देखो इन बुरे लोगों में एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनको अपनी बुराई पर बड़ा गर्व है, अपने क्रूर, अपने हिंसक होने पर, अपने कुंठित होने पर, अपने दुराग्रही होने पर, अपने दंभ पर, अपने अहंकार पर, अपने अज्ञान पर, अपनी मूर्खता पर बड़ा गौरव है इनको, और उसमें निर्भ्रांत रहते हैं पागलों की तरह। बोले मर जाएंगे, योग नहीं करेंगे। मेरे को मरना तो है, फिर उसमें कहने की क्या बात है। तो भाई जब ये योग विरोधी, ये ऋषि विरोधी, ये मानवता के विरोधी, ये इंसानियत के विरोधी, ये बावड़े पागलों की तरह पूरी मानवता को तहस नहस करने में लगे, तो तुम तो मेरे साथ लग जाओ। बोले बाबा जी हम लगे हुए। मैंने कहा तो लगे हुए तो कड़े पड़ के लग जाओ, जोर से लग जाओ, कुछ भी हो जाए सुबह सुबह 4-5 बजे उठ करके 2 घंटा योग करेंगे सुबह सुबह। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, इस देश से हम 99% बीमारियों को भगा सकते हैं, और 0.1% कभी डॉक्टरों की या हॉस्पिटलों की जरूरत पड़ेगी। मैं सबके सबकी बात कर रहा हूं। डॉक्टरों के पास जाना कोई बहादुरी का काम है? डॉक्टरों के पास जाना कोई वीरता का, पराक्रम का, शौर्य का काम है क्या? ये कोई समझदारी का काम है? चलो ये तो सुबह सुबह विटामिन डी भी पूरा मिल रहा है, जिनको ज्यादा ही चोंध लगती हो तो थोड़ा साइड में मुंह करके कर लेना, या घूंघट ओढ़ के कर लेना, पल्ला ओढ़ के कर लेना। किसी किसी को ना तड़का सुबह जोर जोर का लगता है, और सुबह वो अपना एलोवेरा जेल लेके आ जाया करो, वो चेहरे पर लगाया करो, उससे एकदम चेहरे का सौंदर्य भी बढ़ जाएगा। सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे सनस्क्रीन भी बना रखी हमने हर्बल वाली, कर लो। तो सबसे मेरा एक ही आह्वान, देखो क्या होता है योग से। आप में से कितने लोगों की बीपी की दवाई छूट गई? भाई हाथ उठाइयो, जरा दोनों हाथ हिला लो ना बैठे बैठे, जिनकी ब्लड प्रेशर की दवाई छूट गई। एक तो हमारा भाई फतेहपुर से आया, बोला बाबा जी बीपी की भी दवाई, शुगर की भी दवाई छूट गई, और सब कुछ, मतलब पूरा जीवन ही सुधर गया। ये तो मैं कल पूछूंगा, अभी तो समय नहीं है, एक एक का। तो बोले बाबा जी हो क्या रहा है? पता नहीं यार, कभी डाउन जाता ही नहीं था, ना बीपी ना शुगर, थायराइड बढ़े जा रहा, बढ़े जा रहा, बढ़े जा रहा। ज्यो ज्यो दवा की मर्ज बढ़ता गया और उससे कर्ज बढ़ता गया, बीपी ठीक कर दिया। मैं करोड़ों लोगों का बीपी, शुगर ठीक कर दिया, कल भी पूछा था, रोज पूछ लो। थायराइड, थायराइड की दवा बंद, पेन किलर वो बंद, स्टीराइड वो बंद, इनहेलर वो बंद, नींद की दवा। अब नींद पहले अच्छी नहीं आती थी, कुछ तो दवाई भी खाते थे। नींद की दवाइयां कभी कभी कितनों ने खा रखी हैं? नींद की दवाई जरा एक बार हाथ उठाना, जिन्होंने कभी कभी नींद की दवाई खा रखी है। नींद की दवाई खाने वाले भी 40-50 तो बैठे हुए हैं, कभी कभी खाई थी, अब नींद की दवाई की जरूरत ही नहीं, नींद बढ़िया आती है। और नींद बहुत अच्छी नहीं आती थी, आती तो थी बिना नींद की दवा के भी,
अब नींद यहां योगग्राम निरामयम में आने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है, वो हाथ उठाना भाई एक बार, ये बहुत बड़ी समस्या है, नींद बड़ी आती है एकदम, हाथ हिलाओ जरा। देखो नींद अच्छी आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, 5-6 घंटे के एकदम जोर की नींद आए ना फिर कोई बीमार हो ही नहीं सकता, ये बहुत जरूरी है। और यहां करके भूख कितनों को अच्छी लगती है, देते खाने को कितना है वो बात मत पूछो, भूख कड़ाके की कितनों को लगती है हाथ उठाओ तो, बोले बाबा जी इसमें तो पूछो ही मत, देते ही नहीं कुछ, नहीं भाई देते हैं उतना ही देते हैं जितनी जरूरत है, बाकी तुमने कोटा पूरा कर रखा है। नींद खूब अच्छी आती है, भूख बढ़िया लगती है, और पेट साफ हो जाता है, उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती नहीं तो, और मन खुश रहता है, ये जोरदार काम है। ये तो फिर आ गई तू, ये मरने को हो रही थी, क्या था, कैंसर था ना तेरे को, इसको ओवरी का कैंसर था, ये अभी तक तो ऊपर पहुंच गई होती, ये आ गई फिर दोबारा आ गई। ये पहले दिन आई तो रो रही थी, कैंसर के दर्द से पीड़ित थी। देखो कैंसर को मिटाना है ना तो पहले तो ये विश्वास कर लो भाई मरना तो था, या बाबा के पास में आगे मरेंगे तो है नहीं, तो तृप्त रहो शांत रहो, अपने आप तुम्हारा शरीर काम करने लगेगा, अंदर की बायोकेमिस्ट्री, अंदर की जो है फिजियोलॉजी एनाटोमी, अंदर की तुम्हारे सारे हार्मोन्स केमिकल्स, अंदर की इनर केमिस्ट्री, सब माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी सब अंदर की तुम्हारी ऐसी एक्टिवेट होती है, है? इसको माइक देना, ये तो बच गई। ये आई थी पिछली बार तब मरणासन न थी, क्या नाम है माता जी, प्रणाम, हाँ ये पिछली बार भी आके गई, प्रणाम बाबा जी, हाँ पिछली बार आई थी, आपने मेरा कैंसर 50% ठीक कर दिया था, फिर मैं चली गई छोड़ दिया, तो दोबारा हो गया, 50% ठीक हो गई थी, हाँ 50% कम कर दिया था कैंसर, जैसे 250-300 थे ना एकदम, हाँ वो कैंसर मारकर, कैंसर मारकर इसका आधा हो गया यहाँ 7 दिन के अंदर ही, चार दिन में ही अब दोबारा थोड़ा बढ़ गया था, घर जाके फिर वो किया नहीं कुछ भी, किया कुछ नहीं, बोला अब तो ठीक होगी, अब तो बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया, ठीक हो जाएगा, कम हो गया है, लापरवाही कर दी, लापरवाही मत करना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो एक बात तो ये सीख लो इससे भाई, आधा कर दिया था कैंसर मारकर, कैंसर मारकर PSA, एलोपैथी ने मना कर दिया था, इसका कोई इलाज नहीं, CA-125 जितने भी कैंसर मार्कर्स हैं आधा, बाकी ये बीपी शुगर थायराइड इनकी औकात क्या है, मैं इनको तो कुछ गिनता ही नहीं। अब लोग कहते हैं बाबा तू ठाड़ा है, अरे मैं ठाड़ा नहीं तू ठाड़ा है, जबकि एलोपैथी ने मना कर दिया था, इसका इलाज नहीं है हमारे पास, चल अब छोड़ना मत माता जी, नहीं अब तो आई, अब तो यहां जाऊंगी नहीं जब तक खत्म नहीं होएगा, अब बहुत से लोग तो यही बसना चाहते हैं, मैंने भी तुम्हारे लिए इंतजाम पूरे कर रखे हैं, पूरा यहाँ भी पंडाल सजा हुआ है, और उधर जो कम पड़ रहे थे अभी टेंट लगा दिए, अब पीछे 100 कुटिया और तैयार हो रही है, इसी मैंने सब 1 जून तक का मैंने टारगेट दे रखा है, तैयार करके दे दो, अब बाढ़ से आने वाली है योगग्राम की तरफ, अब 2 महीने तो लोग घरों में ऐसे दुबक के बैठ गए, कोरोना आएगा मर जाएगा, इस बार लॉकडाउन सरकारों ने नहीं लगाया, लोगों ने लगा दिया, ओ जवान जवान बच्चे सब निपट रहे थे, चल माता करो, तो सुनो लास्ट आह्वान कर रहा हूं, सारे देशवासी मेरी बात सुनो भाई, योग कर लो, और जितनी जरूरत है उतना आयुर्वेद का भी प्रयोग कर लो, देखो समस्या बड़ी होती है ना तो थोड़ा थोड़ा सहारा चाहिए, सब तरफ से उभारो, सब तरफ से अपने आप को उभारो, सब तरफ से उभारते हम आपको, कुछ कहते बाबा जी योग में जब इतनी ताकत है तो आयुर्वेद की भी दवाई क्यों, अरे भाई तेरी ताकत कमजोर हो गई, योग की ताकत तो पूरी है, तो उसको थोड़ा उभारने के लिए शुरू में मैंने प्रश्न पूछे 25, उनके पास तो उत्तर नहीं मिला, मैं दे देता हूं लो 5 मिनट के अंदर ही, करते रहो कपाल भाती करो तुम, जिनको भी ब्लड प्रेशर है वो योगाभ्यास करना, लौकी का कद्दू का दूधे का घिया का जूस सोरेकाय का जूस पी लेना, शीतल शीतकारी कर लेना, थोड़ा ठंडे पानी से स्नान कर लेना, ठंडे पानी से स्नान किया करो, कितनी गर्मी हो कितना ही सर्दी हो, और अपने मन को भी ठंडा रखना, मुक्तावटी खाली पेट ले लेना, बीपी ग्रेड खाने के बाद लेना ना ज़्यादा हो तो, नहीं तो एक से ही काम चल जाएगा, घर बैठे मैं एक दिन में पूरे संसार का ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकता हूं, एक दिन के अंदर, और 1 महीने में क्योर,
एक दिन में कंट्रोल, और घर बैठे भी, यहां तो हम एक सप्ताह में क्योर कर देते हैं। सस्टेनेबल हेल्थ, परमानेंट इलाज, कंप्लीट सॉल्यूशन। जिनको शुगर है, खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, जो मिल जाए इनका जूस पी लेना, आंवला एलोवेरा भी उसी में मिला लेना, मधुनाशिनी मधुग्रीट ले लेना थोड़े दिन, डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस ठीक। उनके पास तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास है। उनके पास लीवर की कोई दवाई नहीं, अरे लीवर तो छोड़ो, उनके पास गैस, एसिडिटी, कब्ज की भी मॉडर्न मेडिकल साइंस, एलोपैथी जिसको कहते हैं, या फार्मा इंडस्ट्री है, ये तो फार्मा इंडस्ट्री के बेचारे क्या करें, शिकार हो जाते हैं उनको। दरअसल मैं तो अब आज एक डॉक्टरों से आह्वान करता हूँ, कोई भी डॉक्टर फार्मा इंडस्ट्री का गुलाम नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब ये गुलामी छोड़ो भाई, सब जगह आज़ादी के नारे गूंजते हैं। मैं चाहता हूँ एलोपैथी में भी जो सात्विक डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उनका फर्ज ये है जो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है वो लिख सकते हैं, इसमें कोई कानूनन बाधा नहीं। वो जैसे एलोपैथी वाले ये केमिकल वाली जहर वाली दवाई लिखते हैं ड्रग इंडस्ट्री वालों की, ड्रग माफिया वालों की, फार्मा इंडस्ट्री की, वैसे आयुर्वेद की भी दवाई लिख सकते हैं, क्योंकि रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए हर डॉक्टर उसके लिए स्वतंत्र है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं हमारे एलोपैथी के डॉक्टर आयुर्वेद की, अरे दवा आयुर्वेद की, एलोपैथी की, होम्योपैथी की नहीं होती, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है, वो आप लिख सकते हो। मधुनाशिनी मधुग्रीट का प्रयोग करो। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, सर्वकल्प क्वाथ पी लो, लिवोग्रिट लिवामृत, लोगों को ईजी चाहिए, कंफर्ट चाहिए लेने में, वो ले लो। घर बैठे मैं करोड़ों लोगों का, हर चौथे पांचवें आदमी का फैटी लीवर है, ग्रेड वन हो, ग्रेड टू हो, किसी ने चेक करवाया हो नहीं कराया, घर बैठे ही लिवोग्रिट लिवामृत ले लो। जिनको थायराइड है वो थायरोग्रिट ले लो, कपाल भाती के साथ चलो उज्जाई भी कर लो और थायरोग्रिट खा लो और ये पॉइंट भी दबा लो। घर बैठे करोड़ों लोगों का बीपी, शुगर, लीवर का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, घर बैठे अस्थमा, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, और ज्यादा ही हो तो लक्ष्मी उल्लास, संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति रस खाने के बाद, और खाली पेट श्वासारी, दूध में हल्दी शराजीत ले लेना, और ज्यादा फौलादी बनाना है फेफड़ों को तो च्यवनप्राश भी खा लेना, और शुगर हो तो च्यवनप्रभा ले लेना। उनके पास तो इलाज नहीं है माइग्रेन पेन का, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, अनिद्रा का, इंसोमनिया का, मेधावटी ले लेना। ज्यादा ही प्रॉब्लम हो, साथ में डिमेंशिया आदि हो गया हो, पार्किंसंस हो, पैरालिसिस हो, अल्जाइमर हो, तो न्यूरोग्रिट भी ले लेना। ऐसी औषधियां हैं, जीवनदायिनी औषधियां। कोई फंगल इंफेक्शन हो, कायकल्पटी खाली पेट लो और आरोग्यवटी खाने के बाद ले लो, और शरीर में बहुत टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए, गोधन अर्क पी लो 2 चम्मच, और जिनको एसिडिटी हो तो गोधन अर्क पानी में मिला करके, पानी में तो सबको ही डाइल्यूट करके पीना, उसमें शहद और मिला लेना, छोटी छोटी बातें, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम एलोवेरा, सुबह सुबह ले लिया भाई क्या दिक्कत है इसमें, और दिन भर मस्त रहो, सुबह सुबह योग करो, खान पान पर ध्यान दो, आहार को भगवान का प्रसाद मान के लो, आहार को उपचार मान करके लो, उसको औषध मान करके लो। इसलिए आपको मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड आपको देते हैं, और दिन भर सकारात्मक रहो, पॉजिटिविटी, ये बहुत बड़ी औषधि है। जेनेटिक बीमारी, सामान्य बीमारियां तो मिटाई हमने, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, अब कितना भयंकर अर्थराइटिस हो, उनको पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड, पीडानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद एक एक गोली से शुरू करे, बाद में दो दो कर दे, दही छाछनी व 4 टमाटर खटाई का परहेज करे, पथ्य तो करना पड़ेगा। घर बैठे मैं रोज सबको जगाऊंगा, सबको बताऊंगा कि घर बैठे तुम बीमारियों को कंट्रोल और क्योर कर सकते हो। 99% तुमको किसी दूसरे की जरूरत नहीं, अपने बूते पर, अपने ज्ञान परंपरा के बूते पर, जो विज्ञान सम्मत है उसके बल पर आप सब रोगों को हरा सकते हो, वो ताकत आपके अंदर है। और भाई कोई बहुत अचानक कोई बड़ी आफत आ गई हो तो एलोपैथी की दवाई ले लेना, एक बार कंट्रोल कर लेना, उससे फिर क्योर करने के लिए योग आयुर्वेद की नेचुरोपैथी की शरण में आ जाना। ये योग, ये यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, ये आयुर्वेद की चिकित्सा, ये सारी थेरापियां जो आपको बताते हैं, इसको घर पर भी आप कर सकते हो ना, इतनी सरल है तो, और कोई हानि नहीं, निरापद है। हाँ, अभी तक
एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण से 462 बड़ी जिनसे लाखों करोड़ रुपए कमाए, सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए कमाए बनाए और लोगों की मौत के मुंह में पहुंचाया, ऐसे 462 ड्रग तो 2016 तक ही बंद कर दिए WHO ने उनकी एडवर्स इफेक्ट होने के कारण से। या हमने जब से धरती बनी है तब से आज तक एक बार भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा गिलोय का, आंवला का, एलोवेरा का। बंद नहीं हो सकती चीजें, जब तक धरती बनी है तब से आज तक ये वाटर थेरापी, ये जो है मड थेरापी, इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं हो सकता, ये बंद नहीं हो सकती। उनके तो 462 आम भाषा में बोलते हैं तेरे जैसे 360 देखे, 360 से ज्यादा तो उनकी बंद हो गई 462 तो बड़े ड्रग बंद हो गए इनके, एडवर्स इफेक्ट, लोग मर गए खा खा करके। अब तो पहले मैं एक ही बात कहता हूं, देखो किसी की पोल खोलना मकसद नहीं है, बात यह है भाई जो भी अच्छे डॉक्टर हैं अच्छी नीयत से उपचार करना चाहते हैं, मैंने कहा ना नीयत अच्छी होनी चाहिए, इंटेंशन, नीयत, अच्छी नीयत से जो उपचार करना चाहते हैं वो भी अपने पर्चों पर। एलोपैथी के MBBS MD बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर गुलेरिया जी से लेके त्रेहन जी से लेकर के, एक बार जोरदार तालियां बजा दो, अपने पर्चों पर कपाल भाती अनुलोम विलोम भस्त्रिका लिखते हैं कि भाई भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम, और कुछ नहीं बोलते तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और बोल देते हैं बाबा जी का यूट्यूब पर जाकर के देख लेना, जो कमर के लिए, वेट के लिए, पेट के लिए वो एक्सरसाइज बताते हैं वो कर लेना, आसन बताते हैं कर लेना, डॉक्टर लिखते हैं। तो हम ऐसे डॉक्टर हैं इस देश में करीब 90%, एक बार उनके लिए जोरदार ताली ठोको भाई, अभिनंदन है, ऐसे डॉक्टर हैं। अब कुछ ऐसे बावड़े बावड़े डॉक्टर हैं पता नहीं किस स्ट्रेस में डिप्रेशन में रहते हैं, उनका क्या कहना सुनना, उनके ऊपर क्या टिप्पणी करना, क्या बहसबाजी करना उनसे, एक दिन वो भी आएंगे। अभी हम बहुत जल्दी ही योग ग्राम में डॉक्टरों का भी शिविर लगाएंगे, अच्छे डॉक्टरों को बुलाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये सारी जमात ही बाबा के खिलाफ है, कतई नहीं है, बाबा के खिलाफ जो भी तर्कशील व्यक्ति है, प्रगतिशील व्यक्ति है, जो व्यक्ति जिसके अंदर मानवता जिंदी है वो मेरे खिलाफ कैसा हो सकता है, मैंने कोई किसी का बुरा तो किया नहीं। चलो आपको बाकी सब अभ्यास कराते कराते अब अंत में मैंने ये बताया कि एक दिन में परिवर्तन जरूर ये पूरी कायनात बस करती रहेगी, एक दो सप्ताह, एक दो महीना, छह महीना, साल भर, कभी ना कभी तो सबको समझ में आएगा धीरे धीरे। अब तो सारी दुनिया की दूरियां मिटा दी मीडिया ने, साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, तो हम सब भाषाओं में भी, सब भाषाओं में हमने अपनी ये जो है बुक है ना, ये आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, दुनिया की 80 भाषाओं में हमने उसका ट्रांसलेशन करवा रखा है, योग की बुक का भी, प्राणायाम रहस्य को 80-80 भाषाओं में, 100-100 भाषाओं में ट्रांसलेशन करवाएंगे। मेरे जो लेक्चर्स हैं इनको भी ट्रांसलेशन कराएंगे, जो योग की जो पूरा पैकेज है इसका भी ट्रांसलेशन करवा के देंगे, सारी दुनिया करेगी, यही रास्ता है। और अंत में दो आह्वान और, ऑर्डर मी ऐप को तो आपने देखो, मैंने जो अभियान हाथ में लिया ना उसको देश के लोगों ने ऐसे शिखर पर चढ़ा दिया, मैंने कहा भाई इसकी रैंकिंग जो है ना 5 स्टार होनी चाहिए, 5 स्टार होती है रैंकिंग में, तो लोगों ने 5 दिन भी नहीं लगने दिए, 3 दिन के अंदर उसको 5 स्टार रैंकिंग कर दिया, इसके लिए आपका जोरदार अभिनंदन है। फिर मैंने कहा भाई अरे उसमें रैंकिंग तो कर दी, उसमें कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट जो है ना जो विरोधी ताकते हैं उन्होंने उल्टे लिख रखे हैं, तो अपने वालों ने कमेंट भी ऐसे ठोक करके भर दिए। ये देखो ये सिलिकॉन वैली से चलते हैं सारा सोशल मीडिया, वो मेरे पक्ष में नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, सिलिकॉन वैली वाले माने जिस फेसबुक पर, जिस ट्विटर पर, जिस यूट्यूब में आप मुझे देखते हो विचारधारा से मुझसे सहमत नहीं है, उनकी विचारधारा थोड़ी लेफ्टिस्ट से प्रभावित होती है, लेकिन स्वामी रामदेव की ताकत का लोहा, योग और अध्यात्म का लोहा उनको भी मानना पड़ रहा है, इसलिए आज तक वो मेरा एक बार भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड नहीं कर पाए जिन्होंने ट्रंप का भी कर दिया था मेरा ट्विटर अकाउंट वो सस्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं होशियारी से बोलता हूं, समझदारी से बोल, पहले तो मैं ठोक दिया करता था ज्यादा ही,
अब थोड़ा लोगों ने, अनुभव ने मुझे सिखा दिया। तो ट्विटर हो, फेसबुक हो, उन्हीं के हथियारों से, उन्हीं के हथियारों से और उन्हीं के मैदाने जंग में जाकर के उनको पराजित करना है, परास्त करना है। बहुत कचरा भरा पड़ा है सोशल मीडिया में भी, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, चारों तरफ से गंद भरी पड़ी है। अब उसमें योग को भरना है, उसमें भी आरोप, उसको भी हेल्दी बनाना है। इसलिए सब मुझे फॉलो करो। ए, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट है, फेसबुक का, ट्विटर का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का भी है। हाँ, वहां बड़े बड़ी सेलिब्रिटी खोल के रखती है। तो बोले, बाबा जी आप भी सेलिब्रिटी हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था सेलिब्रिटी क्या होता। चलो उसके लिए जोरदार तालियां ठोक दो भाई। करीब 5 करोड़ लोग हैं हमारे इस पूरे जंग में भी सोशल मीडिया पर। कितने? तो 5 बार तो ताली जोर से बजा दो कम से कम। बोले भारत माता की। ये है काम हमारा, ऐसा नहीं ये ठोका ठोकी ऐसे ही नहीं चल रही है, इसके बड़ी पीछे नंबर्स बड़े, सारी दुनिया में बोलते हैं नंबर्स का बड़ा खेल है, तो नंबर गेम में भी पीछे नहीं रहना। अब एक नंबर गेम और चला रखा मैंने, लास्ट आह्वान, वह है स्वदेशी समृद्धि कार्ड का। और ये ऐसा कार्ड हमने खेला है कि भाई जो भी स्वदेशी समृद्धि से जुड़ेंगे, आपको 5%, 10%, 20%, 50% तक आपको पतंजलि के प्रोडक्ट से लेकर के, परिधान से लेकर के, अलग अलग चीजों में छूट दे करके आपको ऐसा अलाइन कर देना है कि पतंजलि और आप सब एक साथ होकर के जिए और सारी दुनिया से हम लड़ पाए, इतनी ताकत अर्जित कर लें और सब इन विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से बच जाए। मैं अपने कौन से फूफा लग गए, ये यूनिलीवर वाले, कोलगेट वाले, पेप्सोडेंट वाले, कोका कोला, पेप्सी वाले, नेस्ले वाले, कौन से हमने छोरी ब्याह रखे इनके, यहाँ कौन सी अपनी रिश्तेदारी है भाई, और ये विदेशी लुटे रहे हैं, अभी ब्याह करके यहाँ बैठे हुए हैं। बताओ इतने दिनों में था इनको ता देते, ये हरियाणी में भाषा है, ता देना मतलब लठिया देते, लठिया देना मतलब तड़ी पार कर देना, तड़ी पार कर देना मतलब भगा देना, भगा देना मतलब बहिष्कार कर देना, बहिष्कार कर देना मतलब भाई तुम क्यों लेके आते हो अपने घरों में। तो इसलिए ऑर्डर मी अपनाओ, पतंजलि अपनाओ और स्वदेशी समृद्धि के मेंबर बन जाओ। ये भी एक दिन में 1 करोड़ बन सकते हैं। देश में ना लोग सोए इतने रहते हैं, रोज जगाना पड़ता है, लेकिन शुरू हो गई यात्रा, उसके लिए भी आपका अभिनंदन है। स्वदेशी समृद्धि, ऑर्डर मी। और भाई जिनको घर बैठे सब बीमारियां क्योर करनी है ना, जिनको मेडिकल साइंस वाले तो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे ठीक ठाक से, तो अपने घर बैठे भी ऑर्डर मी से मंगवा सकते हैं, उसका पूरा तंत्र खड़ा कर दिया। देखो इसके पीछे बहुत ज्यादा काम धाम करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाते, बयान देना तो 1 मिनट का काम है, उस बात को निभाने के लिए जिंदगी लगानी पड़ती है, सुबह से शाम तक 18 घंटा मेहनत करनी पड़ती है। वो कर रहे हैं, आप सब लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं। तो अब जाते जाते आज एक बार हास्यासन तो हो जाए, ऐसे नहीं, पूरी दुनिया में बड़ी मायूसी खामोशी छाई हुई है, जोर से हंसो, हंसो थे मुस्कुरा उठे।